लोकसभा चुनाव के हलचल के बीच प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिशन मालवा पर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदसौर में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की, तो वहीं कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। देखिए खास रिपोर्ट। मिशन मालवा पर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मंदसौर में दिखा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दम, बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में की जनसभा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेने मंदसौर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही मंच पर बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जीराती समेत तमाम नेता मौजूद रहे। सरकार ने निर्णय किया या हमारी गोरक्षा का काम अगर करेंगे तो सबसे पहले सरकार के माध्यम से होगा कि गौशालाओं की राशि भी बढ़ा करके हमने डबल कर दी, पहले की तुलना में 100% राशियां बढ़ाई। अरे गाय, गीता, गन्ना, इनसे तो हमारी पहचान दुनिया में। कितना अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति आते, इंग्लैंड के राष्ट्रपति आते, तो हमारे यहाँ जो अच्छे से अच्छा हो, मेहमान कोई घर में आते तो उनका स्वागत कैसे करते। जो आपके पास अच्छे से अच्छा वो देना चाहिए स्मृति के रूप में। अब हमारे बीच में एक गौरवशाली क्षण आया है, क्योंकि आपके पीछे वोट देने के लिए वो ताकत लगती है जिस ताकत के बलबूते पर नरेंद्र मोदी जी अपनी पवित्र गीता राष्ट्रपति के हाथ में देते, अमेरिका के राष्ट्रपति की। ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, ये गीता जी है, ये कर्म मार्ग की शिक्षा देती है, ये जीवन में सदैव मानव जन्म को सिद्ध करने का ज्ञान देती है। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी क्या? लेकिन ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कांग्रेस वाले ने हमेशा हिंदू मुसलमान को दो आंखों से देखा, दो आंखों के माध्यम से वो अपने दूसरे एंगल पे काम करते रहिए। ये पाप भी उनके माथे, जब तो जनसंघ भी नहीं था, जनता पार्टी भी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का ही रूप है। लेकिन 47 में भी जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। अंग्रेज जब देश छोड़ के गए तो पूरा देश एक था, लेकिन कांग्रेस ने देश में झंडा फहराया आजादी का तो पाकिस्तान को एक दिन पहले अलग करा दिया। ये बात कांग्रेस के माथे है, कोई बात संभरा नहीं कर सकता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के कामों की जमकर सराहना की, तो वहीं कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस के आते पते लगने वाले नहीं है, कांग्रेस पिछली बार के चुनाव को याद कर लो, जब हमारे नेताओं ने आपको कहा था कि राहुल आप और आपकी पार्टी के लोगों को कीमत चुकाना पड़ेगी, तो आप यूपी से भाग के केरल में अटके थे, अभी केरल में बचे हो। इस चुनाव को ये चुनाव का रिजल्ट बताएगा। आप पूरी कांग्रेस को अरब सागर में डुबा के ही आओगे, कोई बचने वाला नहीं है अरब सागर के बाहर। यह आपके क्रम है, आपकी लाइन है, आपका रास्ता है, क्योंकि आपने भारत के अंदर भारत की बात कही नहीं। आपके चश्मे में हमेशा भारत को तोड़ने की बातें दिखाई देती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कार्यकर्ता मित्रों, हम और आप अभी विजय रथ के रूप में कायदे से तो रोड शो निकालेंगे, लेकिन अपना दिमाग भी मुकाम पे रखना है, एक एक वोट अपना भाजपा के पक्ष में डलवाना है। तब तक जब तक कि चुनाव पूरा नहीं हो जाए, आज तो फॉर्म भरा है, सच्चे अर्थों में चुनाव आज से चालू हुआ है। मंदसौर नीमच सारा क्षेत्र चेतन में रखना, दुश्मन बहुत चालाक है, झूठी सुच्ची कभी कितने प्रकार की कहानी बनाएगा। अरे ये तो वो नालायक लोग हैं जिन्होंने हमारे अपने गांधी सागर बांध को तो बनाया, लेकिन गांधी सागर में भरा हुआ चंबल माता का पानी हमारे खेत तक नहीं लाने दिया। कभी भी लाने का मौका अगर किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसान के लिए, आसपास के सभी ग्रामीण वासियों के लिए, सबका भला करने के लिए भाजपा में आए, इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और एक एक वोट के लिए संकल्प करें कि आखिरी तक अपन इस रैली में भी रहेंगे और चुनाव जब तक नहीं होता तक शांति से भी बैठेंगे, माता बहने भी खड़ी हो जाए और हमने से रोड शो में निकलेंगे और सुधीर गुप्ता जी के साथ अपने आप की जीत का, क्योंकि अब सुधीर गुप्ता जी
भाजपा के चुनाव चिन्ह के माध्यम से आप में समाहित हो गए तो हम सब अपन खुद चुनाव लड़ रहे हैं ये मान के चले तो मेरे साथ सब तैयार हो। बोलो भारत माता की जय। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन मालवा पर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा और मंदसौर में अपना दम दिखाया। जहां मालवा निमाड़ के अलग अलग जिलों में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज मंदसौर।